देख रहे हैं पॉपुलर पॉलिटिकल शो बोल जनता बोल, और आज पब्लिक बोल रही है हेहल से। और ये इलाका है सीसीएम कॉलोनी के पास, जहां की पब्लिक चाहती है कि बुनियादी सुविधाओं का स्तर जो है वो बढ़ाया जाए, जिससे यहां के लोगों को खासी परेशानी। और सिर्फ यही ही नहीं, जब अभी वोटिंग होगी तो वोटिंग के दौरान कई ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट कई ऐसे यंगस्टर हैं, जो पहली बार वोट करने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें अब तक उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला, मतदाता सूची जो है उसमें उनका नाम एनरोल नहीं है। बात करते कुछ ऐसे युवा मतदाताओं से कि वो जब वोटिंग करने जाएंगे कितनी उत्सुक है वो और क्या चाहते हैं। आप वोटिंग करने जाएंगे इस बार? नहीं, मेरा वोटर आईडी ही नहीं बना हुआ अभी तक। पहली बार वोट करना था आपको? हाँ, पहली बार। तो क्या आपने अभी तक यही नहीं पता कि कहाँ से अप्लाई करना है, क्या करना है? ऑनलाइन हम जाते हैं तो ऑनलाइन उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते हैं, कुछ वेरिफिकेशन हुआ, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किए, कुछ एरर हो गया, पैसा भी बर्बाद हो जाता है। और हमें ये भी नहीं पता कि यहाँ पे डायरेक्ट कैसे कहाँ से बनवा सके, कब बनता है, कब अपडेट आता है, कुछ न्यूज में भी अपडेट नहीं आता है कि कब बन रहा है, तो कुछ पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, अगर इनरोल्ड हो जाते हैं आप, तो आपको कैसी सरकार चाहिए, कैसा सांसद चाहिए जिससे आप खुश रहेंगे? आप लोगों को क्या क्या चाहिए अपने सांसद से? पता है ना कि जनप्रतिनिधि कितना कुछ बदल सकता है। यही सब जो प्रॉब्लम्स मोहल्ला में, तो जैसे आंटी लोग ने बताया कि नाली नहीं बना हुआ है। आपको अपने लिए पर्सनल एज ए यंगस्टर आपको क्या चाहिए? हमारे हिसाब से तो सब सही है, एजुकेशन लेवल पे सब सही है मेरे अकॉर्डिंगली। आप आगे आइए सर, आप क्या चाहते हैं अपने गवर्नमेंट? आपका आप इनरोल्ड हैं मतदाता सूची में? आपका नाम है? नहीं, अभी तो नहीं आया। नहीं आया है तो आपको कैसे पता चला? नहीं, आपने कोशिश की सूची? नहीं की कोशिश। आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, किसे वो, मतलब अगर वोट किसी को भी करेंगे तो क्या क्या रहेगा दिमाग में, क्या चाहिए सरकार से? जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता है, जैसे पढ़ा लिखा हो, रिप्रेजेंटेटिव मेरा पढ़ा लिखा हो। वेल एजुकेटेड हो, हमारे बात पे ध्यान दे। जैसे यहाँ पे नाली है, नाली में हमारा बॉल चल जाता है, फिर यहाँ मंदिर में दाग लग जाती है, हमें बहुत सुनाया जाता है। इसके अलावा क्या एजुकेशन लेवल पे आपको सही नहीं चाहिए, और क्या जॉब नहीं चाहिए सरकार से? जॉब तो बात का बात है, लेकिन हमें किसी भी नए इनिशिएटिव के बारे में पता नहीं चलता है। गवर्नमेंट जो लॉन्च करता है, हम लोग उसके बारे में अच्छा से पता नहीं करने पाते हैं, और हमें ये एजुकेशन का भी बहुत दिक्कत होता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है सरकार से, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? नाली बनवा देना चाहिए और ढकवा देना चाहिए। और अगर अगर नहीं, अगर हम लोग के प्रति कोई बुजुर्ग आदमी चिल्ला रहे तो हम लोग को लड़ने का हक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसे युवा हैं जो चाहते हैं कि ये जो उनका प्ले ग्राउंड हो वो डेवलप हो जाए, ताकि वो आराम से खेल सके, साथ ही पढ़ाई की भी सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए। कुछ है और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप आइए सर, आइए। राशन कार्ड वाला बताइए क्या प्रॉब्लम है जिनका अभी तक सर्वे हो। तब ना नेट बहुत ऐसा है जो पीले पुअर लाइन में बॉडी में रेड कार्ड भी मिलना चाहिए, सभी नहीं मिला उनको, पूरा वंचित है, घर भी मिलना चाहिए, पैसा है हमारे। क्या प्रॉब्लम है राशन कार्ड में? मतलब उन लोग का जब मतदाता पहचान पत्र ही नहीं बना है तो कार्ड कैसे बनेगा? तो वहाँ बोलते हैं कि कार्ड, कुछ भी कार्ड बनाने के लिए पहले वोटर कार्ड जरूरी है, तो वोटर कार्ड ही नहीं है, तो उसके आधार पे ही राशन कार्ड बनेगा, लाल कार्ड बनेगा, घर के लिए बनेगा। हम लोग को सब पता है, अप्लाई कहाँ करना है वो भी पता है, लेकिन पहले ये मूलभूत स्टार्टिंग तो हो जाए तो फिर। आप आइए सामने आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए बताइए अपनी परेशानी, बताएंगे तभी परेशानियाँ दूर होंगी। नाम नहीं आता है, आता है लिख के लिए जाता है कि वोटर मैंने वोटर कार्ड के लिए, लेकिन नहीं आता, मेरा भी अभी तक नहीं आया है। मतदाता सूची में नाम भी नहीं है? लिख के ले जाते हैं कि बोलते हैं भेज देंगे, लेकिन नहीं, अभी तक नहीं आया है। 8 साल हो गए मेरे शादी का, मेरे मायके का है वोटर आईडी कार्ड, लेकिन यहाँ का नहीं है, सूची में नाम ही नहीं आता। सबका आता है मेरे घर फैमिली में, लेकिन मेरा नहीं। आपने फॉर्म जमा किया है? हाँ, सब किया, लिख के भी ले जाते हैं वो लोग कि आपका आ जाएगा इस बार, लेकिन कोई बार नहीं आता। इस बार आपने पता किया है? वो तो घर पे ही आके ले जाते हैं ना लिख के। फिर आप अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आपका सूची में नाम है या नहीं। नहीं आया है नाम, नहीं आया है नाम। आप भी कुछ बोल रही थी, बताइए। हम बोल रहे थे जैसे मेरा भी आधार कार्ड में नाम नहीं है, मतलब अप्लाई करने से आता नहीं है आधार कार्ड। और क्या वोट डालने जाना है इस बार? अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करने का आइडिया ही नहीं है, नाम ही नहीं। वोट डालने की उम्र हो गई है? हो गई है। तो नाम नहीं आया आपका? नहीं, पता किया आपने?
नहीं पता ही नहीं यहाँ पे कैसे पता करें, कोई आइडिया ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है। अगर जैसे कहीं जाके पार्षद बनता है, पार्षद अभी यहाँ पे पार्षद कहाँ पे, उसका इतना डिटेल भी नहीं मालूम है कि यहाँ पे पार्षद कौन है, कहाँ पे कैसे है, कोई आइडिया ही नहीं होता, मतलब नहीं मिल पा रहा है। सर आप कुछ बोल रहे थे, हाँ सर बताइए। कोई सांसद तो पता ही नहीं, सांसद तो पता ही नहीं है, कभी इस क्षेत्र में तो आए नहीं है सांसद अभी तक। आज तक हम करीब 10 साल से रांची में रह रहे हैं और 5 साल से, विगत 5 साल से तो यहाँ तो हम सांसद को देखे नहीं है, सांसद को देखे ही नहीं, देखे नहीं है, कभी नहीं, कभी नहीं देखा है। अभी देखिए अभी बिल्डिंग बन रहा है, कोई नाला नहीं है, कुछ नहीं है, वही स्थिति है, पुराना स्थिति है, मतलब कोई सुविधा, कोई सुनवाई नहीं है। लाइट जो है मैडम बता रहा हूँ कि इससे ज्यादा विलेज टाउन में, विलेज में ज्यादा लाइट रहता है, बसरते रांची में कम लाइट रहता है, ग्रामीण इलाकों में दुरुस्त रहती है। रांची का तो बहुत बदतर स्थिति है लाइट में। अभी बच्चे पढ़ने का टाइम आएगा, लाइट चला जाएगा, तो कब आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, ना बताना है, अगर ट्रांसमिशन में फोन करते हो कोई फोन उठाने वाला नहीं है। ठीक है, मोदी के समर्थक भी हैं और राहुल गांधी के भी समर्थक हैं, वो अगर यहाँ पर आप जब वोट करने जाएंगे तो दिमाग में क्या वो इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज रहेगा, या फिर आपके जो ये स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि ड्रेन आउट की सुविधा नहीं है, बिजली भी पावर कट हमेशा होता रहता है, तो जब आप वोट करने जाएंगे तो ये इस मुद्दे पर वोट देंगे या फिर वहाँ के लोकसभा में तो आप वोट देंगे मोदी को, लोकसभा में तो मोदी आप ये तो ग्राउंड लेवल बताया करते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे सोचा जाएगा, उस पर ग्राउंड लेवल पे सोचा जाएगा, लेकिन लोकसभा में तो मोदी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लोगों का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो भी है मोदी पसंद है कुछ लोगों की, कुछ लोग किसी और की भी पसंद, किसी और को भी पसंद करते हैं, लेकिन जो यहाँ की पब्लिक है उसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ की ड्रेन आउट समस्या, यहाँ पर ड्रेन आउट की कोई व्यवस्था नहीं है, कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी शिकायत की गई है लेकिन कोई सहूलियत नहीं मिलती, कोई सुविधा नहीं मिलती। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ के यंगस्टर्स के लिए है वो ये कि मतदाता सूची में 50 से ज्यादा युवाओं के नाम ही नहीं है, जिससे उन्हें इस बार वोट डालने से वंचित रहना पड़ेगा, वो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वैसे न्यूज 11 एक बार फिर आप सभी से अपील करता है कि अगर अपना जनप्रतिनिधि चाहिए और सही सांसद चाहिए, सही विधायक चाहिए, सही पार्षद चाहिए, तो अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आपका वोट कीमती है, वोट जरूर करें। और आज बोल जनता बोल में मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी किसी और इलाके में मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।